वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स उत्प्रेरक विष कैटालिटिक पॉइजंस। तो देखिए फ्रेंड्स उत्प्रेरक विष कहते किसे हैं। विष का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स कि जहर पॉइजन अर्थात किसी को नष्ट करना। तो देखिए फ्रेंड्स जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर देता है या पूर्णतः नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम अगेन पढ़ देते हैं इसको। जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर देता है, कम तो नहीं करेगा फ्रेंड्स, अगर विष है तो नष्ट ही कर देगा या पूर्णतः नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो ये हो गया उत्प्रेरक विष हो गया फ्रेंड्स। अगर कोई व्यक्ति भी फ्रेंड्स जैसे विष खा लेता है पॉइजन खा लेता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, पूर्णतः नष्ट हो जाती है अर्थात उसका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसका हम एग्जांपल ले इसमें फ्रेंड्स, तो आपने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ा होगा, रोजनमुंड रिएक्शन जानते होंगे। अगर फ्रेंड्स आप रोजनमुंड रिएक्शन नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम रोजनमुंड रिएक्शन लेंगे। तो रोजनमुंड रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है फ्रेंड्स CH3COCl, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड ये हो गया एसिटिल क्लोराइड प्लस और क्या लेंगे फ्रेंड्स हाइड्रोजन H2। फिर यहाँ पे ऐसे एरो तीर की निशान। फिर इसमें फ्रेंड्स जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो होता है PB और जो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है फ्रेंड्स वो होता है BaSO4 और ये रिएक्शन होता है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ताप पर। ये बनता है क्या फ्रेंड्स एसीटाल्डिहाइड। क्या बनता है एसीटाल्डिहाइड। तो एसीटाल्डिहाइड का सूत्र होता है फ्रेंड्स CH3CHO और प्लस यहाँ पे HCl। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CH3CHO और HCl और ये है क्या एसीटाल्डिहाइड। ये हो गया एसीटाल्डिहाइड और ये हो गया HCl। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CH3COCl इसको पहले मेंटेन कर रहे हैं फिर इसको हम समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CH3COCl तो CH3 और C और यहाँ से एक H, यहाँ दो H है, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक H हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो CH3CHO तो यहाँ पे एसीटाल्डिहाइड बन गया CH3CHO और प्लस फ्रेंड्स हमने यहाँ पे से एक हाइड्रोजन की संख्या इसमें ऐड किया है तो यहाँ बचा कितने हाइड्रोजन की संख्या, वन, तो वन हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है ये क्लोरीन बचा तो वन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे HCl बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें PD है तो ये तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो इसमें BaSO4 है ये उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है अर्थात इसके उपस्थिति में ये अभिक्रिया क्या हो जा रही है, नष्ट हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये BaSO4 इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।